इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस शख्स का बीवी बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव होगा तो उसके रिज्क में इजाफा होगा, क्योंकि मैंने अपने बाबा, उन्होंने अपने बाबा, उन्होंने अपने बाबा और उन्होंने अल्लाह के रसूल से सुना कि खुश अखलाकी से रोजी में इजाफा होता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने बच्चों का बोसा लिया करो, क्योंकि तुम्हारे हर बोसे के एवज अल्लाह जन्नत में तुम्हारे लिए एक दर्जा बढ़ाता जाएगा। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल को तबाह करने वाली पहली चीज ये थी कि गरीब आदमी की बीवी भी अपने शोहर पर कपड़ों का उतना खर्चा डालती थी जितना कि एक अमीर आदमी की बीवी। औरत की किफायत घर को जन्नत बनाती है और औरत का फजूल खर्च करना घर को बर्बाद करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अपनी बीवी से बुग्ज़ न रखें, क्योंकि मोमिन मर्द की ये निशानी नहीं कि वो अपनी मोमना बीवी से बुग्ज़ रखे। अगर उसकी एक आदत उसे नापसंद होगी तो दूसरी पसंद भी होगी। जो इंसान अपनी बीवी की नापसंदीदा आदत पे सब्र करता है तो अल्लाह उसके रिज़्क में इजाफा करता है। अल्लाह उसके रिज़्क में इजाफा करता है। अल्लाह उसके रिज़्क में इजाफा करता है।